हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती अपडेट के बारे में। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको करीब 5 डॉक्यूमेंट बनवा कर रख लेना है। फॉर्म भरते समय आपसे ये डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगी जा रही है। इस फॉर्म को फिल करने से पहले डॉक्यूमेंट अवश्य आप ये बनवा लें। आपको मैं आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और किस प्रकार से दोस्तों ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट रहेगा, कहां से दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना एक्सेप्ट किया जाता है, कितना पुराना होगा जो एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा। इसलिए दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करने से पहले आप बनवा लें और वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट और उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एनआर करंट जीके क्लासेज, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां से आप सीधा टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करके फॉर्मेट देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही दोस्तों आप फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद दोस्तों, जैसे ही फॉर्म आगे भरेंगे, प्रोसेस में लेंगे, तो दोस्तों आपको यहां पर कम्युनिटी डिटेल भरना होगा। कम्युनिटी डिटेल में देखिए दोस्तों, आपको जो कम्युनिटी वाइज जैसे एसटी एससी ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। यदि दोस्तों आपके पास में यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको पहले ही ये कम्युनिटी जो डिटेल्स है वो भरने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू की किस तारीख को दोस्तों वो इशू किया गया है, किस तारीख को वो बनाया गया है, किसने दोस्तों यहाँ पर साइन किए हैं, इशूइंग अथॉरिटी किसने दोस्तों वो बनाया है, किसने निर्गत किया है, जैसे एसडीएम ने बनाया है, तहसीलदार ने बनाया है, मजिस्ट्रेट ने बनाया है, इशूइंग स्टेट की किस स्टेट से आपने वो बनवाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू विश अराइवल फ्री ट्रैवल पास है, कि यदि दोस्तों आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं और फ्री पास चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की आप जहाँ रह रहे हैं एड्रेस है उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए दोस्तों एससी जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको ही फ्री ट्रेवल पास मिलता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर उनको ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एससी एसटी कैंडिडेट को ही। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और ओनली इन पीडीएफ फॉर्मेट में ही दोस्तों वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ ध्यान रखें कि कम्युनिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि कम्युनिटी ओबीसी एसटी एससी किस कैटेगरी से हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट को ही यहाँ पर रेलवे फ्री ट्रैवल पास मिलेगा, उनको ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, किसी अन्य छात्र को नहीं करना है। जैसे ओबीसी या जर्नल या दोस्तों दिव्यांग, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल एससी एसटी कैंडिडेट को ही ट्रैवल पास मिलेगा, उनको ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो दिव्यांग छात्र हैं उनको भी दोस्तों उनकी जो डिजेबिलिटी है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप ये जो डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कहाँ से अपलोड कर पाएंगे, कहाँ से आप दोस्तों इनको डाउनलोड करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने एक RRB की साइट खुली हुई है, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर जो अप्लाई लिखा हुआ है उसके बाद ये क्रिएट एन अकाउंट है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अकाउंट जब क्रिएट कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो ये फॉर्म भरने की प्रोसेस है। अब यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड में लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्मेट है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एससी एसटी सर्टिफिकेट है। एससी एसटी सर्टिफिकेट जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक फॉर्मेट में एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा, एनेक्सचर 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए ही ये दोस्तों फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करना है। ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो सकता है, दोनों में ही आपको दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट ये हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों
हिंदी इंग्लिश दोनों ही में एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ आता है कि हमारा स्टेट का बना हुआ है या सेंटर का बना नहीं हुआ है। तो दोस्तों चाहे स्टेट का बना हुआ है चाहे सेंटर का बना हुआ है, फॉर्मेट दोस्तों यही होना चाहिए जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर दोस्तों इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसी पर आप बनवा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये किसके द्वारा बना होना चाहिए, तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनसे ही ये बना होना चाहिए। उसी के बाद दोस्तों ये, उसके बाद देखिए दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सामने ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा, एनेक्सेट टू। यहाँ पर देखिए दोस्तों ओबीसी में एनसीएल जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए ये दोस्तों ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट आपको दिया है हुआ है, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी दोस्तों ये फॉर्मेट हो सकता है। तो आपको ये फॉर्मेट में ही जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। और सेंटर का सर्टिफिकेट होगा दोस्तों ओबीसी वालों के लिए, ये सेंटर का सर्टिफिकेट होगा। ये दोस्तों कितना पुराना हो सकता है, काफ़ी छात्रों का ये है तो कितना पुराना हो सकता है, तो दोस्तों ये एक साल पुराना ही चल सकता है, इससे पुराना नहीं चल सकता है। जैसे 9 मार्च से दोस्तों आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 9 मार्च को दोस्तों एक साल से अधिक नहीं होना चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट हो पाएगा। तो आप यदि आपके पास पुराना है तो नया बनवा लें, और दोस्तों जिनके पास नहीं है इस फॉर्मेट में तो दोस्तों वो भी एक नया बनवा लें। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि नोट किसके द्वारा ये बना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, ये दोस्तों यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक के ऑफ तहसीलदार, कि तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर से नीची रैंक वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लें और इसी फॉर्मेट पर आप बनवा सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी दोस्तों ये फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ओबीसी एनसीएल डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको दोस्तों ये बनवा कर नहीं रखना है। और ये दोस्तों आपको डीबी के समय ही सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, आपको इसको बनवाना नहीं है, खुद से ही डीबी के समय आपको इसको देना होगा। जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर भरेंगे, और भरने के बाद दोस्तों वो डीबी के समय आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो डीबी के समय आप यहाँ पर ये अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर देंगे। दोस्तों ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करके रख लें, प्रिंट निकाल कर रख लें, जिससे डीबी के समय आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए दोस्तों ईबीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट हम ओपन करते हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों ईबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी है दोस्तों, ईबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म फिल करते समय आप ईबीसी पर टिक सोच समझ कर लगाएं। यहाँ पर ईबीसी से दोस्तों आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। कई छात्र ये सोचते हैं कि ईबीसी पर हम टिक कर देंगे तो हमको जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलेगा। ईबीसी से केवल यहाँ पर फ़ायदा है आपकी जो फ़ी है दोस्तों वो 500 की जगह 250 फीस लगेगी, 250 रुपये फीस लगेगी, केवल यही फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फीस यदि आपको कम देना है और सच में ही ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो ही आप दोस्तों ईबीसी पर टिक करें। ईबीसी में दोस्तों यहाँ पर कौन से कैंडिडेट आते हैं, जिनकी फैमिली की, पूरी फैमिली की जो इनकम आय है वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, वही कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर ईबीसी के अंतर्गत आएंगे। इसलिए आपको दोस्तों सोच समझ कर ईबीसी पर टिक लगाना है। और आपको दोस्तों ये ईबीसी जो सर्टिफिकेट है वो मैंने बता दिया कि पूरी फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ईबीसी से कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और दोस्तों ईबीसी पर जब टिक लगाएंगे तो आपसे जब डीबी होगी, डीबी से ये सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यदि दोस्तों आप फीस में छूट चाहते हैं और बीपीएल से हैं, बीपीएल परिवार से आते हैं, तो भी आप दोस्तों बीपीएल के डिटेल डालकर यहाँ पर फीस में छूट ले सकते हैं। बात देखिए दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार से दोस्तों इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, इस प्रकार से ये फॉर्मेट दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये फॉर्मेट हो सकता है। जो भी छात्र दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हैं, वो दोस्तों ये फॉर्मेट में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना चलता है, कितना पुराना होना चाहिए, ये भी दोस्तों छात्रों की क्यूरी आती है। तो दोस्तों ये कितना भी पुराना हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना भी पुराना होगा आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जिन छात्रों के पास ईबीसी
EWS सर्टिफिकेट नहीं है और EWS से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों वो फॉर्म बनवा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कुछ और डॉक्यूमेंट हैं, जैसे इसके बाद देखिए दोस्तों माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में दोस्तों ये यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन ओपन हो चुकी है, एनेक्सर 4 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेट रहेगा जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, DB के समय आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा। इसमें दोस्तों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय से रिलेटेड हैं उनको फीस में छूट मिल जाती है। 500 की जगह उनको दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये ही फीस के रूप में देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो भी मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे DB के समय। अभी फॉर्म में टिक कर देंगे कि हम मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैनी से रिलेटेड हैं तो आपको फीस में छूट मिल जाएगी और DB के समय आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि हम इस समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उनको NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपके जॉब लग जाएगी तो जो प्रान होता है दोस्तों, प्रान अकाउंट होता है वो सीधा नॉर्मली तरीके से दोस्तों आपके दूसरा जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जॉब के लिए। तो इसलिए दोस्तों आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसे आप कोई ग्रुप डी में या फिर किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या रेलवे में किसी डिपार्टमेंट में आप यदि पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। आप दोस्तों अभी भी अप्लाई कर सकते हैं या आप दोस्तों एग्जाम से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहाँ से ये सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट आपको जब जॉब आपकी लगेगी या DB जब होगा तो DB के समय ये देना होगा और कम से कम दोस्तों जॉइनिंग के समय तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ही होगा। इसलिए दोस्तों जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो दिव्यांग हैं, डिजेबिलिटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए दोस्तों ये 2-3 फॉर्मेट हैं वो आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर NXR 4A है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्मेट में ये आपको बनाना होगा। यहाँ पर देख दिया हुआ है कि कौन कौन से डिजेबिलिटी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि ब्लाइंडनेस है या जो भी ड्राफिज्म है उनको दोस्तों इस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नीचे देखें दोस्तों एक सर्टिफिकेट यहाँ पर जो डिटी है, मल्टीपल डिजेबिलिटीज़ है, उनको दोस्तों यहाँ इस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। नीचे एक और देखें दोस्तों जो मल्टीपल डिजेबिलिटी है उसके अलावा किसी अन्य डिजेबिलिटी है तो यहाँ पर इस प्रकार से ये फॉर्मेट उनको देना होगा कि स्क्राइब रखना चाहते हैं, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, कि जो कैंडिडेट परीक्षा देने में सक्षम नहीं है और वो किसी को ले जाना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए तो दोस्तों वो इस फॉर्मेट में